सो अब चलते हैं दूसरे डेस्टिनेशन की ओर। ना नेचर पार्क हम लोग कई बार जा चुके हैं ना, अब थोड़ा सा नई नई चीज पापा दिखा रहे हैं, वो देखो ना क्या है। अच्छा। नहीं पसंद आएगी तो फिर पापा कुछ नया दिखाएंगे, पापा आज पूरे दिन भर दिखाते रहेंगे। हाँ। अच्छा, हर जगह ऐसा सुनसान सा जंगल पड़ रहा है ना हर जगह पे। मैं जहाँ जा रहा था ना, मैं यही समझ कर रुक गया था। अच्छा, हम तो पहली बार देख रहे हैं, आप किसके साथ आए हैं यहाँ? हमारी जगह किसी और को तो नहीं ले आए आप? आजकल आपके कुछ ठीक हिसाब किताब नहीं लग रहे हैं। तुम्हें फर्क क्या पड़ता है? अरे पड़ता है, हम आपके लिए सावित्री बन के घर में रहते हैं। अच्छा, सावित्री बन के हमारा सत्यवान इधर उधर घूमता रहे छुट्टर। इसको तो दौड़ी दौड़ी कर विवेक जी, ऐसे शौक मत दिया कीजिए। शौक पे शौक। इनका मंदिर है, पता नहीं क्यों यहाँ के सारे मंदिर हमको बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अरे ये आश्रम है यार, आश्रम है ये। एंट्रेंस तो बहुत ब्यूटीफुल है, अंदर क्या है कैसा है पता नहीं, और दर्शन करने का समय भी लिखा हुआ है। ब्यूटीफुल यार, पहले तो यहाँ पे ऑलरेडी शांति है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल प्लेस है, लेकिन यहाँ पे लिखा भी है कि कृपया शांति बनाकर रखें। और ये कौन से फ्रूट्स हैं मुझे नहीं मालूम है, बहुत ही सुंदर। ऐसे प्लेसेस बहुत ज़्यादा दिल को छू जाते हैं। देखो चिको, कोई भी प्लांट आप छूओगे नहीं, कोई भी चीज़ तोड़ोगे नहीं, ठीक है ना? कोई फ्रूट नहीं, कोई पेटल नहीं, ना ही एनी लीफ। अंग्रेजी हिंदी सब में समझा दिया तुम्हें हमने, ठीक है ना? बिल्कुल तोड़ना नहीं बेटा, यहाँ पर सख्त मनाही है। और देखो ये जो वाला प्लांट है ना मम्मा का, ये उसकी एक वेरिएंट है ये। सोचो यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, इतने सारे प्लांट्स हैं, यहाँ पे योगा करना चाहिए बैठ के, है ना? ब्यूटीफुल। बट ये बहुत दूर है, भागता भागता है। हाँ चलो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पापा से बोलो मम्मी खुश होगी यहाँ आके, मगर मम्मी इस बात से बड़ी दुखी है पापा फिर दूर दूर भाग गए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ऐसे कॉलोनी में घर होना चाहिए, बहुत ही सुंदर है। वो देखो लग गए अपनी दूसरी बीबी के साथ। इस मोबाइल को कहीं पे गड़ाना पड़ेगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये वातावरण, ये माहौल आप लोगों को कैसा लगा। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मुझे पसंद है वही आप लोगों को भी पसंद हो, और एटलीस्ट इससे आप लोगों को मेरा टेस्ट तो पता चल ही जा रहा है कि मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद है। ग्रीनरी बहुत पसंद है, और इस तरह का प्लेस जो साफ़ सुथरा हो, ग्रीनरी लगी हो। पक्षी बस यहाँ पर नहीं है, बाकी यहाँ पर सारी चीज़ों का आनंद है। तो आप लोग कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। बाहर चप्पलें तो बहुत सारी उतरी थी, लेकिन अंदर इतने लोग दिखे नहीं। अब वो कहाँ आश्रम में छुपे थे आई डोंट नो। और अभी भी मेरे पीछे आप लोग देखिए कितने सारे लोग आ रहे हैं, भीड़ है एकदम। अब ये लोग भी आश्रम में कहाँ खो जाएंगे पता नहीं। उत्कर्ष अपनी नेचर कॉल को नेचर के साथ शेयर करने गए हैं, तब तक मैंने सोचा थोड़ी सी और आप लोगों के साथ बात कर लूं। और उत्कर्ष के पापा का कहना है कि मैं इससे पहले यहाँ आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैं यहाँ पर कब आई हूँ, और मुझे तो यही लग रहा है कि उन्हें भ्रम है। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं। कोई पंचमढ़ी कोई घाट है, पंचमढ़ी या पता नहीं, जाकर मैं देखूंगी क्या है नाम उसका, और वहाँ आप लोगों को लेके चलती हूँ। चलिए। ओए दादा, ये क्या हो गया? ये पापा गाड़ी बंद करके चला रहे। पापा ने ढलान पे छोड़ दी है गाड़ी। दादा कंट्रोल ना हो तो पता नहीं, ये ढलान इतनी था बस। अरे रे 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 रे, चीको मजा आया? कितना शांत है ना यहाँ पे, नर्मदा की धारा एकदम शांत है। What is our nature? क्या है our nature? कुछ भी अंग्रेजी बोलते हो हैं? इंग्लिश स्कूल में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि चीको कुछ भी बोल देगा। एक मिनट, फिर से बोलना अपनी अंग्रेजी, फिर से बोलो। What are our nature? चीकू।